जयपुर में कटनी बिहार में रॉयल्टी व्यापारी से लूट हत्या का मामला सामने आ रहा है। पुलिस लगभग पूरे मामले की जांच पड़ताल कर चुकी है। दिल्ली और सोनीपत में घटना से जुड़े अहम सुराग मिले। आत्महत्या करने से पहले मेडिकल की दुकान से सल्फास खरीदा गया। सीसीटीवी में भी कोई संदिग्ध कार यहां नजर नहीं आई। सूत्रों के हवाले से खबर मिली, मृतक नरेश पर करोड़ों का कर्ज बताया जा रहा है। कर्जदारों से बचने के लिए लूट की झूठी साजिश रचने की बात सामने आ रही है। हत्या या फिर मनगढ़ंत कहानी का लगभग पटाक्षेप हो चुका है। जल्द ही पुलिस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। रॉयल्टी व्यापारी की संदिग्ध मौत हुई थी। व्यापारी नरेश कृष्णिया ने आत्महत्या की थी। हालांकि लगभग पूरी छानबीन पुलिस कर चुकी है। अहम सुराग मिले हैं दिल्ली और सोनीपत में इस पूरी घटना के। रॉयल्टी व्यापारी से लूट हत्या का ये पूरा मामला, संदिग्ध मौत हुई थी। करनी विहार में रॉयल्टी व्यापारी से लूट हत्या का ये पूरा मामला है। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, पहले आप पूरी विस्तृत जानकारी दे दें और क्या अहम सुराग मिले हैं वो भी दर्शकों को बता दें। हाँ देखिए, मैं आपको बता दूं कि करनी विहार थाना इलाके के अंदर जो लूट की जो घटना हुई थी और जो हत्या हुई थी, उसके बाद जो व्यापारी नरेश कृष्णिया जो रॉयल्टी व्यापारी है, उसके मामले में एक बड़ा नया मोड़ सामने आया। और यहाँ पर जो जयपुर कमिश्नरेट की जो क्राइम ब्रांच की जो टीम थी, उसने पूरे मामले की जाँच कर ली और लगभग जो जांच पूरी हो गई है, जो उसमें से मुख्य जो तथ्य निकल करके सामने आया है वो ये है कि जो नरेश कृष्णिया है उसने आत्महत्या की थी। क्योंकि ये जो घटनाक्रम हुआ, ये सोनीपत और दिल्ली से चला पूरा घटनाक्रम है, और उसके बाद ये मामला सामने आया है कि जो नरेश कृष्णिया था उसने सोनीपत से एक मेडिकल की दुकान से सेल्फोस खरीदा था और उसके बाद जयपुर में आकर के उसने सेल्फोस पिया है। ये पुलिस सूत्रों से पूरी जानकारी मिली है। और एक अहम जो सुराग यहाँ पर मिला है कि जो पुलिस की जो टीम थी, लगातार जो क्राइम ब्रांच की जो टीम थी, उसने करीब जयपुर से लेकर के दिल्ली और हरियाणा तक के करीब 150 सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, जिसके अंदर जो संदिग्ध कार बताई जा रही थी हिंडीवर, वो कार कहीं नजर नहीं आई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा है कि जो नरेश कृष्णिया है उसने आत्महत्या की है। एक उसका जीता जागता सबूत ये भी है कि जो नरेश कृष्णिया है उसके पास उसके ऊपर करोड़ों रुपए का जो कर्जा था, और जो जब यहाँ पर जो पेमेंट लेने के लिए दिल्ली और हरियाणा गया था तो वहां से करीब 32 लाख रुपए की रकम लेके आया था, जिसमें से 30 लाख रुपए थे जो उसने जो अपने ड्राइवर था उसके हाथों भिजवा दिए थे, और 2 लाख रुपए की जो रकम थी उसने अपने पास रखी थी। जब पूरा घटनाक्रम हुआ तो उसके पास से 1,96,000 रुपए बरामद भी हुए थे। सब तथ्यों पर और पहलुओं को लेकर के जांच पड़ताल की तो पता चला कि इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी मनगढ़ंत है जो कहानी है वो रची गई है। मगर जो पुलिस है, इन सब पूरे हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण इन सब मामलों को लेकर के कहीं ना कहीं बचना चाह रही है और उस पर चुप्पी साधे हुई है। लेकिन जो सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है, जो पुख्ता सूत्र है, उनसे साफ जानकारी मिली है और ये पता चला है कि जो नरेश कृष्णिया है उसने आत्महत्या की थी। और सीसीटीवी फुटेज है, इसके अलावा जो मेडिकल की दुकान से सेल्फोन खरीदना और उसके बाद यहाँ पर एक मनगढ़ंत कहानी रचना, उसके भाई द्वारा पुलिस को ये बताना कि पहले मिर्ची डाली गई और उसके बाद यहाँ उस पर चाकू से वार किया गया और उसको सेल्फोन लाया गया, कहीं ना कहीं एक मनगढ़ंत जो कहानी है वो रची गई है। लेकिन इस कहानी के पीछे का क्या कारण रहा है, इन सब तथ्यों को लेकर के पुलिस बचना चाह रही है, बताने से इनकार कर रही है। मगर जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है उसमें ये बात तय हो गई है कि नरेश कृष्णिया है उसने कहीं ना कहीं आत्महत्या की थी, और ये सारा जो घटनाक्रम था, जो खेल था, जो रचा गया था, वो कहीं ना कहीं इसके परिचितों की ओर से रचा गया था, ताकि जो नरेश कृष्णिया पर जो कर्जा बना हुआ था, जो कर्जा था करोड़ों रुपए का, उसको लेकर के कहीं कर्जदार है जो उसके परिवारजनों को परेशान। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बड़ी बात, कहीं ना कहीं मनगढ़ंत कहानी बिल्कुल नजर आई है बिल्कुल इसमें। बिल्कुल यादवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, कर्जदारों से बचने के लिए यहाँ पर आत्महत्या की जो बात है वो सामने आ रही है। हालांकि पुलिस भी अभी कुछ कहने से बच रही है।